हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आप सभी के काफी कमेंट आ रहे थे कि आपने कौन सी बुक लिया था, आपने कौन सा मॉक टेस्ट लगाया था, आपने प्रीवियस ईयर कहाँ से लिया था, सारे पेपर वन कहाँ से पढ़ा, पेपर टू, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ कम समय में, क्योंकि आपके ऐसे कमेंट बार बार आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस पर एक अच्छे से वीडियो बनाकर बता देते हैं कि जब मैं सीटेट की तैयारी कर रही थी, अभी जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था, तो उसमें मैंने कितने दिन पढ़ाई की, कब कौन से बुक से पढ़ाई की और कितने अच्छे नंबर्स, केवल एक महीने में 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई करती थी। ये मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे ज्यादा समय नहीं था और भी चीजें थी साथ में इस वजह से। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीजें बता रही हूँ, बट उससे पहले एक चीज बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके ऑनलाइन क्लासेस जो है, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसके प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। CDP का Class 3 जो है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आगे की क्लासेस भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप कितनी भी बिजी हो, कुछ भी पढ़ाई कीजिए, बट इस एक क्लास को मत छोड़िएगा जब तक आपका पेपर जो है नहीं हो जाता है, क्योंकि ये आपके जो है एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। बहुत जिन लोगों से भी मैं मिलती हूँ, उन लोगों ने भी यही बोला है, या फिर उन लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ है, तो उनका भी यही ओपिनियन है कि प्रीवियस ईयर करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लासेस डेली देखिए, टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम है, वहां भी फॉलो करके अपने कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके जो है जो क्वेश्चन थे वो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं था, बस एक महीने का ही समय था। तो पहले तो मैंने सीटेट का जो सिलेबस है उसे गो थ्रू हो गई कि मुझे पता चल गया कि हाँ, ये जो है सब्जेक्ट है, इसमें ये उसका पूरा सिलेबस है, ये टॉपिक है। उसके बाद से जो उसका एक पूरा सिलेबस है, अगर आप उसको पढ़ने बैठ जाए तो आपका इतना समय चला जाएगा, कम से कम 3 से 4 महीने आपको लग जाएंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये पूरा सिलेबस तो वैसे भी मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, और मुझे अटेम्प्ट जो है अपना क्लियर भी करना था, वो भी अच्छे नंबर से। मैं चाहती थी कि 100 से अवर भी आए, चाहे मैं 3-4 घंटे कैसे भी करके मैनेज कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मार्केट में जाते हैं, वहां से बुक्स लेते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार बुक्स का पूछते हो कि आपने सेल्फ, आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपने सेल्फ स्टडी की है, तो कोई तो बुक लिया होगा आपने, बिना बुक के तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है, कहीं से तो कुछ किया होगा। तो मैं गई बुक लेने, मैं बुक भी लेकर आई वो प्रीवियस ईयर के। फिर जब मैंने उसको लगाना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसे लग रहे थे कि कुछ क्वेश्चन जो है मैं सही कर रही हूँ, बट वो जो आंसर जो उसमें दिया गया था उसमें गलत है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हर सेट में था, हर सेट में। फिर मैंने क्या किया कि जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो लोग चाहते हैं seated.nic.in, वहां पे पूरा अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में सारी चीजें हैं, वहां से डाउनलोड करके मिलाई। तो वहां पे मोस्टली क्वेश्चन जो है उस बुक्स में गलत थे, और ऐसा नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो लोग मेरे उस टाइम पे साथ में थे उनके साथ भी यही दिक्कत थी, बट फिर भी वो लोग उसी से करते थे क्योंकि उन्हें वो सही लगता था। तो देखिए, बुक जो है, बुक के चक्कर में मत पड़िएगा। और सबसे मेन दिक्कत मुझे इस चीज में आती थी कि जो ये ऑफलाइन जो आप प्रैक्टिस देंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको आंसर के लिए बार बार पीछे से देखना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो मैं बस अपना समय बचाना चाहती थी, मैंने केवल उस बुक से एक दिया था, उसके बाद से मैंने उस बुक को कभी खोला नहीं, बंद कर दिया, क्योंकि एक तो आंसर गलत, ऊपर से मुझे बार बार पीछे से पलट पलट के देखना पड़ता था। फिर मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे तो ज्यादा समय वैसे भी नहीं लगेगा, प्लस वो ऑथेंटिक है, सही है, मतलब मुझे करना था तो सही चीजें ही करनी थी, क्योंकि मैंने ऐसे सुना था बहुत लोगों से कि सीटेट का जो पेपर होता है उसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो सबसे बेस्ट यही होता है कि प्रीवियस ईयर जो लोग करके जाते हैं उनका क्लियर हो जाता है। फिर मैंने कहा ठीक है, तो बुक जो है प्रीवियस ईयर का ही लेके आई थी, बाकी जो आप चाहते होंगे कि CDP की अलग से, हिंदी की अलग से, ऐसे मैंने कोई बुक्स नहीं खरीदी थी, क्योंकि सीटेट में अगर आप बुक्स को पढ़ने लग जाएं, इतनी मोटी मोटी बुक्स, तो आपका वैसे भी मन नहीं होता है बुक्स से, आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि कितना बोरिंग सा लग रहा है। और ऐसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट था कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप कितने क्वेश्चन आपके तैयार भी हो जाते हैं, कम से कम 30, धीरे एक दिन में अगर आप 30 भी कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए महीने में आपने कितने सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर लिए, और वो एकदम डायरेक्ट जो है सीटेट में जो पेपर आए हुए थे वही क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद से मैंने सोचा कि बुक्स वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगी, वैसे भी बुक्स पे मुझे, मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूंगी कि बुक्स वगैरह आप खरीदने भी जाते हैं बहुत पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और आप उसको खोल के पढ़ेंगे भी नहीं, आप फिर भी जो है YouTube पे ही ऐसे स्क्रोल कर करके कोई ना कोई क्लास देखते रहेंगे। तो बुक्स मत खरीदे कोई भी, और DLED में जो है कुछ सब कोर्स होता है तो उसमें हमें बुक्स वैसे भी मिली ही होती है, CDP की होगी, सारे बुक्स अवेलेबल होता है, उसी बुक्स को पढ़िए जो आपके पास ऑलरेडी है, कभी भी जो नया करने के चक्कर में, इधर उधर से सुन के चक्कर में बुक्स के पीछे मत भागिएगा, जो है आपके पास उसी से पढ़िए। प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बुक से अगर आप प्रीवियस ईयर लेके भी आ रहे हैं 300-400 की, तो आप अगर उसको करते हैं तो आप खुद सोचेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम जा रहा है। तो ये रहा, तो मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी, मैंने वही सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है
बस पेपर किया था, कोई आज तक मैंने कभी सीटेट के नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं सच बता रही हूँ। मैंने जो किया था वो मैंने आपको डिटेल में बताया था। प्रीवियस ईयर करना, सबसे पहले मैंने एक प्रीवियस ईयर किया जो सबसे स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था 2011 से, उसको मैंने किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ तो इसमें मेरा जो है ऐसा नहीं था कि 90 से ऊपर मेरे नंबर कभी 70 आते थे कभी 80 आते थे, बट वो हर दिन बढ़ता है क्योंकि आप एक बार प्रीवियस ईयर करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने बस उसको करके छोड़ दिया। मैं उसको जो मेरे गलत होते थे उसको मैं अच्छे से समझती थी, लिख लेती थी कहीं, ऊपर से जो मेरे सही हो जाते थे उसको भी मैं देखती थी। मैंने यही दो चीजें की हैं बस, गलत वाले को अच्छे से एनालाइज कीजिए, जो सही है उसको भी एक बार देखिए। इससे क्या होता है कि आपके मन में ये रहेगा कि हाँ ये जो मैंने गलत किया वो दोबारा से मेरे से गलत नहीं होना चाहिए। उसी से रिलेटेड आता है। उसके बाद से सीडीपी का ऐसे ही हो जाता है, हिंदी तो इजी होती है, इंग्लिश भी हो जाता है, ईवीएस भी। मैथ में वैसे भी जिसको टेंशन होगी उनके लिए बता देती हूँ, मैथ में पैडागोजी आता है तो इसे ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। तो वही प्रीवियस ईयर मैंने स्टार्ट किया 2011 से लेकर 2021 तक पूरा कर डाली मैं, और एक नहीं तीन बार मैंने किया है। तो मैंने कोई बुक नहीं लिए, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से सारे पेपर डाउनलोड करती थी, वहां से आंसर पूरा मिलाकर फिर ऐसे करती थी। टाइम बहुत जाता था बट मैंने सोचा कि मुझे बस यही करना है, प्रीवियस ईयर ही करना है, जब उसी में से रिपीट हो रहा है तो मैं इधर उधर क्यों भागूं। तो जिन लोगों का क्लियर नहीं होता है उनमें मैंने एक चीज कॉमन देखा है कि वो प्रीवियस ईयर या तो एक करते हैं या दो या तीन, पूरा कभी नहीं करते हैं, ना तो उसको एनालाइज करते हैं। ये मैं आपको अपना बता रही हूँ, जो मेरे आसपास लोग रहते हैं उनसे मैंने उनका देखा भी है कि वो, मैं जब भी उनसे पूछती हूँ तो वो लोग प्रीवियस ईयर नहीं किए होते हैं, एक या दो ही किए होते हैं। प्रीवियस ईयर करते रहिए, साथ में अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज गुड, बट प्रीवियस ईयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो आपको करना है अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम में, तो हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पैडागोजी ही होता है बुक्स। और एक चीज की आप लोग ये बोल रहे थे कि क्या मेरा होगा या नहीं क्लियर, एकदम आराम से हो जाएगा, बिना टेंशन का पढ़ाई करो। बस जो अगर आप चाहते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो जो आपका कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कोई थ्योरी है, जैसे कि पियाजे की है, बार बार आप पियाजे में गलत कर रहे हो तो पियाजे को नोट कर लो। फिर अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिस वो प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो वाइगोस्की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, कोहलबर्ग, इन तीनों थ्योरी को नोट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के बाद आराम से इत्मीनान से उन तीनों थ्योरी को अच्छे से एकदम समझ लीजिए, उसको दो से तीन दिन के बाद रिवाइज करते रहिएगा, तो थ्योरी भी कंप्लीट हो जाती है साथ में, और साथ में आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। जैसे कि मान लीजिए हिंदी का जो पैसेज है उसका प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है, इंग्लिश का भी 150 मिनट मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग बेस्ट बुक और बेस्ट कोर्स बेस्ट कोचिंग के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि सीटेट क्लियर करना ये खुद की मेहनत होती है, अपनी सेल्फ स्टडी होती है। क्योंकि हम कोचिंग क्लास जो आप कोर्स लेते हो आप वहीं सिर्फ पढ़ते हो, खुद से नहीं पढ़ते हो, बट प्रीवियस ईयर करने से या खुद से पढ़ने से ये होता है कि आपको वो चीजें समझ में आती हैं, याद रहती हैं। तो मैंने जो किया था मैंने आपको बता दिया है, केवल प्रीवियस ईयर की थी वो भी डाउनलोड करके, ना तो कोई बुक ली, एक बार बुक ली पछता रही थी कि क्यों बुक फालतू में ले लिया इतना महंगा, जिसको आज तक मैंने खोला नहीं, वो वैसे ही आज भी रखा हुआ है। और रही बात सीटेट क्लियर करने की, तो पेपर वन पेपर टू दोनों की सीडीपी जो है सेम आती है, क्लासेस हो रही है सीडीपी की, आप करते रहिए प्रीवियस ईयर। आप नहीं, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है कहीं से तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा ही रही हूँ, और जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है आप जुड़े रहिए, आपका सीटेट एकदम अच्छे नंबर से क्लियर होगा, 100 से ऊपर ही होगा, 100 से नीचे नहीं होगा, 120 130 140 इतना आप कर सकते हैं। और अगर आप साथ में अपने मन से भी पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं कि केवल यूट्यूब पे के भरोसे रहें। सबसे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत से लोग जो हैं कभी उनसे कभी उस टीचर से पढ़ते हैं, कभी उस टीचर से, मतलब उन्होंने चार पांच टीचर को तो एकदम पकड़ के ही रख लिया है कि आपको थोड़ा थोड़ा सबसे पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको सीडीपी कहीं से समझ में आ रही है तो आप उनसे पढ़िए, कहीं से ईवीएस समझ में आ रहा है तो उनसे पढ़िए। अब नोट्स मत बनाने लगिएगा कि कभी आप उनका सीडीपी का नोट्स बना रहे हैं कभी उनका बना रहे हैं, इसमें क्या होता है कि वो उनके समझाने का तरीका अलग होगा, एक दूसरे टीचर का समझाने का तरीका अलग होगा, तो पूरा हौच-पौच हो जाता है। इस वजह से एक टीचर से पढ़िए बट ढंग का पढ़िए, थोड़ा पढ़िए बस, बट काम का पढ़िए, जो आपको एग्जाम में क्रैक करने में हेल्प कर सके। और सीटेट का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बट मैंने आपको अपनी चीजें एकदम ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी से सच बताया है कि केवल प्रीवियस ईयर ही किया था और मेरे नंबर दोनों पेपर वन पेपर टू दोनों में जो है 100 एवव आए हैं। जो स्कोर कार्ड है मेरा उसको मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखाया है, पूरे नंबर दिखाए हैं, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दे, साथ ही चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे क्लासेस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।